और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज की वीडियो में बहुत ही कमाल की प्रोडक्ट लेके आया हूँ। आज है जी हमारे पास HDMI ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। जी हाँ दोस्तों, आज हम करने वाले हैं जी इस HDMI ट्रांसमीटर रिसीवर की अनबॉक्सिंग, टेस्टिंग, क्या क्या फीचर्स हैं इसको, किस तरह यूज़ किया जाता है और इसकी कितनी रेंज तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं वायरलेसली। तो आज हम सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आज के वीडियो को स्पॉन्सर किया है दोस्तों स्विट कंपनी ने। स्विट जो है एक चाइनीज़ कंपनी है, मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स बनाती है, लाइट्स, बैटरीज, HDMI ट्रांसमीटर्स वगैरह और काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स। जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से चाहें तो विजिट कर सकते हैं, अगर बाय भी करना चाहें तो बाय भी कर सकते हैं। तो टाइम को ज़्यादा ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं अपनी इसकी अनबॉक्सिंग। तो लीजिए दोस्तों, ये आ चुका है जी हमारे पास HDMI ट्रांसमीटर, जो कि है स्विट कंपनी की तरफ से, जिसका मॉडल है दोस्तों कर्व 500। यानी कि कर्व 500 इसके मॉडल नंबर से ही पता चल रहा है कि इसकी जो है रेंज काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। क्योंकि मैं जो इसकी रेंज के बारे में बताऊं तो इसको जो आप मैक्सिमम 500 फीट तक जो है दोस्तों ट्रांसमिशन ले सकते हैं। तो आज तक जितने भी हमने ट्रांसमीटर HDMI ट्रांसमीटर के ऊपर वीडियोस बनाई हैं उसके अंदर दोस्तों ये सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा ट्रांसमीटर है जिसकी 500 फीट रेंज रखी गई है। और 500 फीट रेंज का मतलब ये है कि काफ़ी दूर आप इसको काफ़ी दूर तक जो है यूज़ कर सकते हैं। और मैं आज इसकी जो 500 फीट की रेंज है ये भी टेस्ट करूँगा कि आखिर वाकई इसकी 500 फीट की रेंज है या नहीं। और 500 फीट जो मुझे पता है बगैर ऑब्स्टिकल्स के है, तो हम ज़रूरी नहीं है कि ऑब्स्टिकल के साथ ही इसको चेक करें, बगैर ऑब्स्टिकल के ही जो है दोस्तों यूज़ करके चेक करेंगे। और इसके फर्स्ट लुक पे आप देख सकते हैं इसके अंदर से है निकलते दो प्रोडक्ट, एक ट्रांसमीटर होता है एक रिसीवर। तो HDMI ट्रांसमीटर के बारे में बता दूँ, आपने देखा होगा अक्सर कैमरे के साथ जो मोनीटर इस्तेमाल हो रहे होते हैं उसके अंदर जो है मोनीटर HDMI के साथ कैमरे के साथ अटैच होता है। लेकिन अगर आप बगैर HDMI के वायरलेसली अगर अटैच करना चाहते हैं, वायरलेसली जो है डिस्प्ले लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको HDMI ट्रांसमीटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इस तरह ही काम करते हैं जैसा आपका ऑडियो माइक्रोफोन काम कर रहा होता है, इस तरह ही ये HDMI जो है ट्रांसमीटर रिसीवर काम कर रहा होता है। इसके अंदर वीडियो सिग्नल की जो है इस्तेमाल होता है और माइक वगैरह के अंदर ऑडियो सिग्नल का इस्तेमाल होता है। तो इसके अंदर जो है दोस्तों कीवी वायरलेस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, 5G DFS कम्प्लेक्सिटी है, 500 फीट यानी कि 150 मीटर इसकी मैक्सिमम रेंज है, स्ट्रॉन्ग वॉल क्रॉस भी है। यानी कि ये अगर स्ट्रॉन्ग वॉल है तो उसके अंदर से भी इसके सिग्नल क्रॉस हो सकते हैं। तो इसको भी हम टेस्ट करेंगे कि वाकई क्रॉस होते हैं कि नहीं। तो पैकिंग कंपनी की तरफ से बहुत कमाल की बनाई गई है और काफ़ी अच्छी बनाई है, स्विट की ब्रांडिंग हुई हुई है। तो अब इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम को ज़ाया नहीं करता। 3, 2, 1, 0। तो लीजिए दोस्तों, ये आ चुके हैं जी हमारे दो प्रोडक्ट, ट्रांसमीटर और रिसीवर। दिखने में दोस्तों कितने खूबसूरत लग रहे हैं और आप देख सकते हैं टोटली मेटल के बने हुए हैं, टोटली जो है दोस्तों एल्यूमिनियम की बॉडी है। और अभी हम इनको बाहर निकाल लेते हैं और इसके जो और प्रोडक्ट्स हैं उनको भी चेक कर लेते हैं आखिर क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो मुझे जो है लग रहा है काफ़ी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स कंपनी ने इस बार रखी हैं। अच्छा जी, इसके अंदर जो है निकलता है जी एक इसके अंदर D-Type2 DC जैक वाला ही वायर। यानी कि अगर आप इसको वी माउंट बैटरी के साथ अटैच करके यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस केबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस केबल के ज़रिए आप वी माउंट बैटरी से पावर जो है अपने इस ट्रांसमीटर या रिसीवर को दे सकते हैं। तो उसके बाद इसके अंदर से निकलता है एक 220 वोल्ट AC अडाप्टर, जिसके ज़रिए आप इसको अगर लगातार बिजली के ऊपर चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं। और उसके लिए अडाप्टर के लिए काफ़ी सारे जो हैं मुँह भी दिए हुए हैं मुख्तलिफ जो है स्टाइल्स में, तो ये आप यहाँ पर अटैच करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये आया AC अडाप्टर। और इसके अंदर दोस्तों कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है बॉक्स। तो दोस्तों मुझे जो है बहुत ही कमाल का ये ट्रांसमीटर और रिसीवर लगा है। अगर इसकी दोस्तों फर्स्ट लुक के बारे में पता है चेक कर लें तो इसकी फर्स्ट लुक मुझे बहुत कमाल की लगी है। और वज़न में भी इतना ज़्यादा भारी नहीं है, हल्का वज़न है। और अब इसके कुछ जो है फीचर्स के बारे में बता दूँ, इसके ज़रिए जो है आप 500 फीट तक रेंज ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग वॉल के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, आप इसको किसी भी कैमरे के साथ अटैच कर सकते हैं, HDMI के साथ कोई भी LCD डिस्प्ले हो उसके साथ आप डिस्प्ले आउट ले सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि इसके लिए स्पेशल कैमरा यूज़ होगा जिसके साथ ये अटैच होगा या स्पेशल कोई डिस्प्ले ऐसा यूज होगा जिसके जरिए अटैच होगा, ऐसे नहीं है। ये किसी भी जगह जो है आप यूज कर सकते हैं। ज्यादातर जो है ये लोग यूज करते हैं दोस्तों इसको वेडिंग्स वगैरह में, वेडिंग्स में अगर डिस्प्ले देना हो बड़ी LCD के अंदर, यानी कि जो भी कैमरामैन वेडिंग कवर कर रहा है
उसने बड़ी जो ऑडियंस बैठी है दूर उसको बड़ी स्क्रीन पर डिस्प्ले दिखाना, तो उसके लिए जो है यूज़ हो रहा होता है। और उसके बाद ज़्यादातर जो है ये फिल्म मेकिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है इसके अंदर, क्योंकि ये डायरेक्टर के लिए भी इस्तेमाल हो रहा था। अगर डायरेक्टर जो है स्पेशल अपनी डेडिकेटेड जगह पर बैठा है तो वहाँ पर उसका डिस्प्ले लगा हुआ, तो वहाँ अगर कैमरा मैन या DOP ने उसको डिस्प्ले देना है तो उसके ज़रिए जो है वायरलेस ट्रांसमीटर का यूज़ किया जाता है, और इसी वायरलेस ट्रांसमीटर के ज़रिए जो है डायरेक्टर को डिस्प्ले मिल रहा है। और उनके दरमियान कोई तार नहीं होती, क्योंकि आपको पता है DOP जो है वीडियो कभी कहीं बना रहा था, कभी किस तरह बना रहा था, अगर तार होगी उलझ के या तो DOP गिर जाएगा या वो तार टूट जाएगी। तो उस चीज़ से बचने के लिए HDMI ट्रांसमीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और मुझे ये जो है बहुत कमाल के ट्रांसमीटर लगे हैं। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत हैं। और अब इसके बारे में बात कर लीजिए दोनों ट्रांसमीटर के जो है दोस्तों, राइट साइड के ऊपर आपको जो है यहाँ पर पोर्ट मिलती है जिसके ज़रिए आपने जो है इसको पावर देनी होती है, और दोनों के पास जो है ऑन ऑफ का दोस्तों बटन मिलता है, तो ऑन ऑफ के बटन के ज़रिए आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद जो है HDMI आउट और HDMI लूप की जो ऑप्शन मिलती है ट्रांसमीटर रिसीवर में, और दो HDMI आउट मिलती है रिसीवर में, दो HDMI एक इन और HDMI लूप इन लूप जो है वो मिलती है ट्रांसमीटर में। उसके बाद दोनों को USB के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आपने इसके फ्रेमवेयर वगैरह को अपडेट करना है या कुछ और सेटिंग वगैरह करनी है तो वो कर सकते हैं। और उसके बाद इसकी जो है लेफ़्ट साइड में चेक किया जाए, लेफ़्ट साइड में दोस्तों यहाँ पर जो है ट्रांसमीटर लिखा हुआ है, रिसीवर की ब्रांडिंग हुई हुई है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो है इनको लिंक, अगर ये आपस में होंगे तो दोनों की LEDs जलेंगी, और उसके बाद पावर की LED है, उसके बाद वीडियो मोड की LED है। अगर वीडियो सिग्नल नहीं आ रहा होगा तो इसकी जो वीडियो की जो LED है वो ब्लिंक कर रही होगी, यानी कि वीडियो सिग्नल नहीं आ रहा। अगर वीडियो सिग्नल आ रहा होगा तो इसकी जो है LED वो ब्लिंक नहीं करेगी, वो स्टिल रहेगी। और इसी तरह सेम जो है लिंक के अंदर है, अगर लिंक की LED जो है ब्लिंक कर रही होगी समझ लो आपस में कनेक्ट नहीं है, और अगर ब्लिंक नहीं कर रही लिंक वाली जो LED है फिर जो है ये आपस में कनेक्ट है। और अगर ये कनेक्ट आपस में नहीं होते, आप इसके साथ यहाँ पर बटन दे सकते हैं जिसके ज़रिए आप इनको आपस में पेयर कर सकते हैं। इनको अगर आप जो है दोस्तों लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये जो है पेयर हो जाएंगे, और अगर आप इसको जो है डबल जो है प्रेस करेंगे तो ये जो है अपग्रेडिंग मोड में चला जाएगा, यानी कि अपडेट्स वगैरह के लिए आप इसको यूज़ कर सकें। उसको कंपनी की सील लगी हुई है, और यूज़र मैनुअल के लिए आप यहाँ पर QR कोड पर स्कैन कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके साथ बहुत से लोग कहेंगे कौन सी बैटरी लग सकते हैं, इसके साथ जो है कोई भी NPF सीरीज़ की बैटरी आप अटैच कर सकते हैं। सोनी की NPF सीरीज़ की बैटरी को अटैच करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप इसके साथ वी माउंट बैटरी भी अटैच कर सकते हैं। तो बारी आ चुकी है दोस्तों अब इसको टेस्ट करने की, बाहर जाके कि इसके डिले वगैरह की टेस्ट की जाए, और इसकी रेंज को टेस्ट किया जाए, और किस तरह का डिस्प्ले आ रहा होता है हमारे मॉनिटर पे, सब चीज़ें इसको आउटडोर में जाके टेस्ट चेक करते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये देख सकते हैं इसके अंदर जो है कंपनी की तरफ से 4 एंटीनाज आते हैं जो कि रिमूवेबल हैं, आप अपनी तरफ से जो है तो इसको उतार भी सकते हैं और वापस लगा भी सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और एंटीने भी इतने बड़े नहीं हैं, छोटे साइज़ के एंटीने लगाए गए हैं। तो चलिए चलते हैं बाहर। तो लीजिए दोस्तों, भी आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं बाहर अपने HDMI ट्रांसमीटर को टेस्ट करने के लिए। तो हमने करना जी टेस्ट, तो हमारे साथ जी अभी केबल कैम, तो इसके ऊपर हमने टेस्ट करना है। इसके ऊपर हम जो है अपने ट्रांसमीटर को लगा देंगे, इधर हमारा गिम्बल और सोनी A7 III लगा हुआ है, इसके ऊपर हम टेस्ट करेंगे आया हमारी ट्रांसमिशन किस तरह आती है, और सिग्नल के अंदर जो है अगर जो है लो लेटेंसी है तो मैं उसका भी पता चल जाएगा, डिले तो ज़्यादा नहीं आ रहा, तो सब चीज़ें हमें पता चल जाएगी। तो मैं इसको यहाँ पर अटैच कर लेता हूँ और फिर हम जो है इसको चला कर भी चेक करेंगे। तो गिम्बल हमारा बिल्कुल रेडी है, और मैं इसकी HDMI की केबल यहाँ पर लगा रहा हूँ, और उसके बाद इसको यहाँ पर अटैच कर दूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो है सब कुछ अटैच कर लिया है अपना स्विच का जो है दोस्तों, जो है ट्रांसमीटर अटैच कर लिया है, गिम्बल रेडी है। तो इसको अब चेक करते हैं इसकी ट्रांसमिशन। तो लीजिए ये दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो है रिसीवर को अटैच कर लिया है अपने जो है स्विच के 7-inch मॉनिटर के साथ, और आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर डिस्प्ले भी आ रहा है, और डिस्प्ले पर आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो है गिम्बल बड़ा बेहतरीन तरीके से मूव कर रहा है। अब इसको हम यहाँ पर जो है टेस्ट करने वाले हैं, तो कुछ इससे मैं सीन लेता और फिर आपको दिखाता।
तो लीजिए दोस्तों, आपने देखा हमने केबल कैम के ऊपर जो है अपने HDMI ट्रांसमीटर का जो है टेस्ट कर लिया है। उसके बाद अब हमने टेस्ट करना है जी गिम्बल के ऊपर। तो कासिम को मैं ये दे दूंगा गिम्बल और ये ले जाएगा काफ़ी दूर। तो इसकी जो है हम रेंज टेस्ट करेंगे कि आखिर कितनी रेंज है इसकी। जिस तरह कंपनी ने कहा कि 500 फीट तक काम करता है, तो इसको तकरीबन जो है 400-500 जो है फीट तक दूर लेके जाएंगे और चेक करेंगे अपने डिस्प्ले के ऊपर के इसके ऊपर कितना किस तरह डिस्प्ले आता है, कहीं हमें लैग वगैरह तो नहीं मिलता, कहीं हमें सिग्नल ड्रॉप तो नहीं मिलते। तो अब इसकी ये जो है रेंज टेस्टिंग करते हैं। तो लीजिए जी, अभी आप देख सकते हैं कासिम जा रहा है जी दूर। तो अब हम वेट करते हैं जी। तो लीजिए दोस्तों, आपने देखा हमने इसको जो है आउटडोर में जाके टेस्ट भी किया है। इसकी रेंज जो है तकरीबन जो है 500 फीट के लगभग ही है। अप डाउन थोड़ी बहुत जो है हो सकते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी इसकी रेंज मुझे जो है मिली है। बाकी आप इसको स्ट्रॉन्ग वॉल के ऊपर जिस तरह कंपनी ने कहा है उधर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसकी पैकिंग मुझे जो है बहुत कमाल की लगी है। और अगर तो ये आपको HDMI ट्रांसमीटर जो है पसंद आया, इसको जो है आप ख़रीदना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से जो है परचेज़ कर सकते हैं। आप इसको जो है केबल कैम सिस्टम के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको गिम्बल्स वगैरह के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी हमने जो है इसको काफ़ी जगह इस्तेमाल किया है, तो इस प्रोडक्ट ने जो है बहुत अच्छा काम किया है। तो बहुत ही कमाल की प्रोडक्ट बनाई है स्विट ने। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इस प्रोडक्ट का लिंक दिया है, वहाँ से चाहे इसको बाय कर सकते हैं। बाकी और नई प्रोडक्ट देना चाहते हैं, देखना चाहते हैं स्विट कंपनी की, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह और कंपनीज के और जो है प्रोडक्ट्स इस कंपनी के अनबॉक्स करके आप लोगों को और दिखाऊंगा। तो दोस्तों, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में अगली नई कोई और अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।